तो है ये सब जो माल को भाव तो कहीं है नहीं, हाथ आठ दे रहे हो, लावा मेला में परेशानी माल अटे वकीन जो बराबर खराब ही रहे तो अलग, और पैसा बराबर मिल रहा मांगे तो माल का पैसा बैठा नहीं भी रहा, जो आज लागत लगी बन का पैसा आधा भी नहीं रहा। 5-6 हज़ार रुपया तो कम से कम मिलो सावे, और 8-10 को भाव है तो और बढ़िया है, बाकी अन्य भाव में तो मांगे खर्च भी नहीं निकलेगा, और अन्यू थोड़ा भाव ठीक रहेगा तो बढ़िया रहेगा, बाकी अन्ना तो हालत खराब है करसाना की, अन्यू मतलब माना करसाना नहीं हूँ, हम जो लोग आवा टाइम में वावा को भी नहीं कि खेती छोड़ी जावा की नौबत आगा, ये स्थिति आगा कुछ भाव नहीं, बिल्कुल बर्बाद हुई है करसान, ना तो पानी के पैसे ना बिल के पैसे खाद बीज के पैसे कुछ नहीं मिल रहा है, और बर्बाद भी घर दे रहे वापस, निराश रहो एकदम से, कुछ ना 8-10 को भाव है तो पूर्ति हुए काश्तकार को, दूसरी नहीं हो सकती, अभी तो 1000-1200 बिकी, 900-800 ये भाव है काश्तकार क्या करे, चुपई के खाद बीज के पैसे भी नहीं आ रहे तो क्या करें, खाएंगे इसको हल्डी बिगड़ रही तो क्या करें, टाइम पैसा सही रहा ने खाद सोसाइटी में बिल्कुल बेकार, नगदी ला तो पैसा सही रहा, मजदूर ने पैसा देना पड़े, बिल भरना पड़ रही हो, डीपी बढ़ रही है, हक्का जोती ट्रैक्टर डीजल वगैरह कर क्या थी लाइन ना, 8 महीने के रोकता रोकता लसक रुकी है कहीं ना, आखिर में पैसा चाहिए काश्तकार को तो क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ा। अभी इस बार हेवी प्रोडक्शन की वजह से अब समय कम है किसान के पास, और उसके वो बेचना है उसको 1.5 महीने में सारा माल खत्म करना, उसके बाद नई फसल आ जाएगी, तो इसलिए डिमांड कम है और अराइवल ज़्यादा है, इस कारण से तेजी की उम्मीद उसमें बहुत भी नीचे में 7-8-9-10 रुपये और बढ़िया माल बिक रहा है ऊपर में 30 से 35, आने वाले समय में इसमें कोई अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है।